अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कैरेमल ब्रेड पुडिंग की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनता है। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसका कैरेमल बनाकर तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैं 1/4 कप चीनी ले ली हूँ, ग्राम से ये 150 ग्राम के करीब में है। एक पैन में डाल दूंगी, फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और लो फ्लेम पर इसे हमें गलाना है। चीनी पिघलने लगा है, पैन को इस तरह से हिला देंगे थोड़ा। अभी हमें इसमें चम्मच नहीं डालना है, कैरेमल बनाते वक्त इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब मैं इसे चम्मच से चला दूंगी ताकि चीनी पूरी तरह से गल जाए। और यहाँ चीनी गल चुका है, गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे डाल देना है जिस बर्तन में हमें पुडिंग को सेट करना है। तो मैं यहाँ एक केक टिन ले ली हूँ, इसमें डाल दूंगी इस तरह से, कैरेमल को हर तरफ फैला देंगे इस तरह से, देखिए फैला दी हूँ। अब हमें इसे इसी तरह से रख देना है, ये तैयार है। अब हम पुडिंग बनाकर तैयार करेंगे। तो एक बाउल में ले ली हूँ 1/2 कप दूध, इसमें डालूंगी 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। 3 चम्मच ले ली हूँ, इसे अच्छे से घोल लेंगे गुठलियाँ ख़त्म होने तक। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रखना है। तो मिला ली हूँ मैं इस तरह से, देखिए ये भी तैयार है, इसे साइड में रखेंगे। 5 ब्रेड के स्लाइस ले ली हूँ, इनके किनारों को काट लूँगी। तो सभी किनारों ही काट लेना है। ये जो किनारे बचे हैं इन्हें हम फेंकेंगे नहीं, इसका ब्रेड क्रम बना लेंगे। ब्रेड को हमें इस तरह छोटा छोटा तोड़ लेना है और अब मैं इसे डालूंगी एक मिक्सर के जार में और इसे बारीक पाउडर बना लेंगे। और हमारा ब्रेड क्रम तैयार है, इसे साइड में रख देंगे। 1/2 लीटर दूध ले ली हूँ एक पैन में, उसे गर्म करूँगी। तो इसमें से 1/2 कप दूध मैं निकाल ली थी जिसमें मैं कस्टर्ड पाउडर को घोली थी। दूध हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डाल दूंगी 1/4 कप चीनी, एक उबाल आने दूंगी दूध में, देखिए उबाल आ गया है। अब मैं कस्टर्ड पाउडर का घोल डाल दूंगी इसमें, घोल डालते हुए चलाते रहना है, इसमें गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए। तो लगातार चलाते हुए इसे हम पका लेंगे इसे गाढ़ा होने तक। ये देखिए यहाँ पे गाढ़ा हो चुका है, 2 मिनट लगे हैं इसे पकाने में, अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी जो हमने ब्रेड क्रम बना कर रखा हुआ है उसे, तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए, इस तरह लगातार चलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो 2 से 3 बार में हमें डाल देना है सारा ब्रेड क्रम। और यहाँ देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है, ये अच्छे से पक चुका है। अब हमें इसे इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। तो मैं दिखाती हूँ कितना गाढ़ा हुआ है, ये देखिए। तो ये तैयार है, अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे केक टिन में डाल दूंगी। सारा पुडिंग हमें डाल देना है, तो इस तरह डाल दी हूँ मैं, इसे सेट कर देंगे अच्छे से। और अब हमें इसे करना है स्टीम। तो उसके लिए मैं एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रख दी हूँ, उसमें एक रिंग डाल दी हूँ, इसमें हमें केक टिन को डाल देना है। तो ध्यान से डालेंगे, ये गर्म रहता है। इसे ढककर 35 से 40 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। 35 से 40 मिनट के बाद इसे निकालेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे। जैसे जैसे ये ठंडा होते जाएगा ये एकदम गाढ़ा हो जाएगा और पूरी तरह से सेट हो जाएगा। फिर हमें इसे फ्रिज में रख देना है और 2 से 3 घंटे तक रखकर ठंडा कर लेना है। और ये 3 घंटे के बाद मैं निकाली हूँ इसे, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ये सेट हो चुका है। अब मैं इसे निकालूंगी, तो पहले चाकू की मदद से इस तरह साइड छुड़ा लूंगी इसका, इस तरह से निकाल लेना है किनारों को, ये बहुत आसानी से निकल जाता है। अब मैं एक प्लेट लेकर इस पर ढक दूंगी और पलट लूंगी। तो बहुत आराम से करना है, वैसे ये ठंडा रहता है तो आसानी से हो जाता है। और देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा हमारा कैरेमल ब्रेड पुडिंग बनकर तैयार है। बहुत ही आसान है इसे बनाना और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। आप ठंडी ठंडी पुडिंग को इफ्तार में भी सर्व कर सकते हैं, सबको बहुत पसंद आएगा। तो देखा आपने इसे बनाना कितना आसान है, बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाता है। तो आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों बड़ों सभी को ये बहुत पसंद आता है। और ये जो थोड़ा सा कैरेमल बचा हुआ था मैं उसके ऊपर से डाल दूंगी, अब देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाला पुडिंग बनकर तैयार हुआ है। मैं इसे काट के दिखाती हूँ, देखिए
है ना बहुत ही मज़ेदार। तो आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।